हाई एवरी वन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो. और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं सिद्धू पांची के गाने पे. और मैं हूँ अदिति. आई एम युवराज और गाने का नाम है वॉच आउट. साथ में सिकंदर कालोन. और अच्छा लग रहा है, पाजी ने इतने सारे गाने बना के रखे हुए थे और पता नहीं अनएक्सपेक्टेडली क्या हो गया. वो तो खैर एक डिफरेंट चीज़ है, उसके बारे में हम ना बात करें तो अच्छा है, क्योंकि यार जितनी बात करो उतना दुख होता है. एनीवेज सुनते हैं वॉच आउट में क्या कह रहे हैं पाजी. ठीक है, सिकंदर पाजी भी क्या कह रहे हैं. लेट्स गो. Yeah. So the Musiala. Mercy. सेक्शन 12 साढ़े ना हंडिया वर्तिया ने साढ़े मोडे चक्किया रफला जा बस अर्थिया ने साढ़े लई ता बदले हुंदे वांग तिहारा दे जिन्ना चिर नहीं हुंदे पूरे कर कोई वरदा नी हो के तकड़े रहो अला ने मेरा वैरिया थोनू जो नहीं दिंदा जिन्ना चिर मैं मरदा नी पाजी. क्या कर रहे हो पाजी, तुहाडे हत्ते आ गया तां मैनू बख्शियो ना. जिवें तेरे हत्ते नहीं, तू मेरे हत्ते आ गया तां मैं तेनू छड़ता नहीं. मतलब खतरनाक यार. जो भी एनिमीज है उनके बारे में होगा ये ऑब्वियसली, या फिर किसके बारे में बताऊं भाई. क्या कह रहे हैं पाजी यार उससे. चलो सुनिया थोड़े कोल भी बंदे बहुत समाने ने साडे कोल भी 30 कोरियन मेड जिगाने ने जय हो गए टाकरे सिद्धियां मथे नू आउन गिया जय होया डराउणा ने फे चो मैं करदा नी हो गए टकरे रे हो अला ने मेरा वरिया नू थोनू जो नी दंदा जिन्ना चिर मैं मरदा नी इसमें ये बोल रहे हैं कि मैं अगर आपके हाथ में आ गया तो मुझे मत बख्शना, है ना. हाँ. और आई मीन लिरिक्स तो है ही अच्छे, जो बीट्स हैं इसमें. बीट्स यार वही पिछली वीडियो में भी मैंने बात करी थी कि पंजाबियों का प्लस पाजी का ये आर्ट है, दिल से निकल के आता है कि वो कुछ भी हो, चाहे बात खुशी की हो, चाहे बात दुख की हो, चाहे बात गुस्से की हो, चाहे कोई वो नॉलेज दे रहे हो, हाँ, चाहे वो कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, चाहे वो कोई क्वेश्चन कर रहे हो. पंजाबियों के यहाँ पे है और यहाँ पे है कि भाई बंदे को नचा देना है चाहे मैं कुछ भी और बोल रहा हूँ. बीट्स बहुत अच्छे हैं. अगेन वही बीट्स के थ्रू. आई वांटेड टू से वन थिंग दैट मतलब जो इनका लिरिक्स है वो बहुत मीनिंगफुल है. ऐसा नहीं है कुछ भी है, कुछ भी बोल दिया हो ये हमेशा इनके गाने में मीनिंग होते हैं. इसमें भी मीनिंग है उसके साथ और एक स्टोरी है. उसके साथ में सिद्धू पाजी की जो आवाज है, जो सुर है, वो इतना अच्छा है. अब ये नहीं कह सकते कमांडिंग है वो, मतलब कि इतना तू देख ले वो नहीं है. ऐसा नहीं है कि बस भाई मतलब मीनिंग है तो गाने में कोई सुर नहीं है या कुछ रिदम नहीं है या मजा नहीं है, सब कुछ साथ चल रहा है. क्योंकि गानों में ना दो चीजें होती हैं, या तो एक मतलब वो गाना तो एक चीज होती नहीं, आदमी चिल्ला रहा हो वो भी नहीं है, और गाने में फर्क होता है, गाने और चिल्लाने में फर्क होता है. तो ये गा रहे हैं बट ये ऐसा लग रहा है कि गाने के थ्रू अपना गुस्सा निकाल रहे हैं. और बट वो गाने के थ्रू चिल्ला रहे हैं, वही गाने के थ्रू चिल्ला रहे हैं बट सुरीले तरीके से चिल्ला रहे हैं. सुर कहीं मिस नहीं होता, कहीं मजेदार भाई. चलो सबसे बेस्ट है ये जो कोरस है ना. सिद्धू मूसे वाला काला कुर्ता जनाब कालो करे फोन बॉडी डुबगी जनाब वेरी किते दफन हसदा दी मार सिरे उते कफन मैं हले भी तैयार या मैं नहीं या तू नहीं दवा कदे सू नहीं कीती यार मार तू दिखाउण जोगा मुंह नहीं जट बंदा मैं कोई मनदा नहीं तू ने वेरी पूरा हो जावे पावे अदा मून है ऐश विच रात कट्टा सौ के सवेर तुरदा गली च जिवें तुरदा है शेर कदे वे गुलामी मैनू होनी नहीं कबूल रूल है रसूल मेरा एक ही है वजूद मुके दुश्मन नहीं मुके अबर रूद निकले जलूस मैं दाऊ तू जलूत निबदी नी सच्चिया दी सारिया नाल मेरी कृपाल कहे मैनू आरिया पार शरीर दे गए ते ना होए अफसोस जमीर जे मरे ओनू कहंदे ने मौत बागी ने मुंडे साडी गरम जबानी अमर कहानी है फजर पुरानी मूस आओ पाके पोस्ट जाना रे हो ना एवें उड़ी कांदे
ਵੀ ਟੱਕਰ ਲਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨੀ ਹੋ ਕੇ ਤਕੜੇ ਰਹੋ ਅਲਾਨ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਨੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਏ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਨਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਨੀ बहुत बढ़िया यार, मज़ा आ गया यार। और देखो अब बात करते हैं ऑनेस्टली, ये बीट ऐसी कुछ नहीं है कि बहुत नई है, बट जो शुरुआत में ये पीस है ना, जैसे हल्का सा पीस है ये बहुत यूनिक है, ये बहुत मज़ेदार है। प्लस जो बीट से चलती आ रही ये पहले से चल रही है, उस पर जिस तरीके से पाजी ने अपनी वोकल्स डाले हैं, ठीक है, अपने वोकल्स डालने के बाद उन्होंने सिकंदर के साथ भी इतना बढ़िया काम किया है। जब एकदम से सिकंदर पाजी अपना रैप शुरू करते हैं, उसके 5 से 6 सेकंड बाद जब वो पेस पकड़ता है, मज़ेदार मज़ा आता है। प्लस अगेन स्टोरी, कहानी, और अगेन आप मुझे बताओ ये गुस्सा किसके लिए है, कोई पर्टिकुलर लोग है, कोई पर्टिकुलर झुंड ऑफ लोग है, या फिर अगेन ये एक जनरल स्टेटमेंट है पाजी का सबके लिए कि भाई तुम लोग मुझे परेशान करोगे, जो भी लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, ये गाना उन लोगों के लिए परेशान कर रहा था। हाँ, प्लस यार गाना मज़ा आ गया सुन के यार। प्लस द कोरस पार्ट इज रिटन वेरी नाइसली, जिस तरीके से कंपोज किया गया है, बहुत सही पुट किया गया है वो गाने को, तो मुझे लग रहा है कि ये जाने वाला है मेरी प्लेलिस्ट के अंदर। और मैं देख रहा था कि एप्पल म्यूजिक पे भी आ चुका है ये, 5th या 6th नंबर पे है टॉप 100 इंडिया में, और डिजर्व करता है यार ये गाना। आप लोग बताओ आपको क्या लगता है अब इस गाने के बारे में, ठीक है, हमें तो मज़ा आ गया है सुन के, ठीक है। और पाजी के गाने और भी हम सुनते रहेंगे, तो हमें मतलब स्पेसिफिक गाने और बताओ कौन से गानों पे हमें रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा बादशाह तो हम सारे गानों पे 1 घंटे में रिएक्ट कर देंगे बैठ के, बट वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा है ना, तो आप लोग स्पेसिफिक गाने बताओ। और मेरा मन है उस पे करने का, इट हर्ट्स पे, मुझे एवरीबॉडी हर्ट्स। एक्चुअली पहले इनका था अनफॉरगेटेबल, फिर अब हो गया इट हर्ट्स, और एक्चुअली गाना है एवरीबॉडी हर्ट्स, और वो मुझे बहुत पसंद है, तो हम उस पे करने वाले हैं। और मैं सोच रही हूँ कुछ गाने मेरे को बहुत पसंद है, अब पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, तो हम उन पे करेंगे रिएक्ट। पता नहीं मेरा मन है, एक मेरा मन लैला मजनू का है, तो हाँ लैला मजनू, इम्तियाज अली से इनका अलग ही प्रेम है। प्लस वो कहानी इम्तियाज अली के भाई की है, भाई ने बनाई है वो मूवी, अगेन वो डिफरेंट चीज है, इम्तियाज ने करी है, तो वो मतलब आई वाज सेइंग कि मेरा पसंद के गानों पे अब हम रिएक्ट करेंगे, और फिर मे बी तेरा जब मेरा ओवर हो जाए तो। देखो सबसे पहले आती है लोगों की रिक्वेस्ट, सबसे पहले ट्रेंड नहीं, मैं ऑनेस्ट रहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सबसे पहले ट्रेंड आता है, क्योंकि देखो हमें आपका सपोर्ट भी चाहिए, प्लस साथ में हमें खुद भी ग्रो करना है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो पहली बात आती है ट्रेंड, दूसरी बात आती है आपकी रिक्वेस्ट, तीसरी बात आती है हमारे खुद के इंटरेस्ट, ठीक है। इन तीनों चीज़ों पर चैनल चलेगा, और मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ऐसा करें कि हफ्ते में एक लाइव स्ट्रीम करा करें, या फिर कुछ करा करें, या फिर एक रिक्वेस्ट का ही दिन डाला करें, जिस दिन सारी रिक्वेस्ट कंप्लीट होंगी, या तो वो वीडियोस के रूप में बाहर आएंगी, या फिर वो एक लाइव स्ट्रीम के रूप में मैं करूँगा उसको, ताकि हम लोग उस पर रिएक्ट करें, आप लोग चैट पर रिक्वेस्ट करो, ताकि वो चीज़ वहीं पर सॉर्ट आउट हो जाए, ताकि हम भी जुड़ सकें, कहीं जुड़ सकें, बात कर सकें, इंगेज कर सकें, है ना, वो रहता है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि कंटेंट इतना ज़्यादा आ रहा है बाहर, तो आप उस पर एकदम से रिएक्ट कर दो, और इतना इमेंस अमाउंट ऑफ कंटेंट इज़ देयर ऑन द इंटरनेट, तो उस पर थोड़ा सा ना दिक्कत हो जाती है कि कितने चीज़ों पे आप एक साथ रिएक्ट करो। जैसे पंजाबी ऑडियंस है अभी चैनल पे, तो वो लोग भी कहते हैं कभी वज़ीर पतर, कभी दिलजीत पाजी, कभी सुल्तान, कभी औजला, कभी AP, कभी शुभ, तो बहुत सारे लोग हैं, तो करेंगे, सब पे करेंगे, बट अगेन अगर वो तरीका आपको पसंद आए तो मुझे बताना कमेंट्स में कि भाई लाइव स्ट्रीम वाला तरीका कैसा है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट करने से पहले आप बोला करो कि वो वीडियो आपको कैसी लगी, कैसे है, मतलब जस्ट राइटिंग दैट कमेंट कि बस ये रिक्वेस्ट है हमारी, नहीं आप बताओ कि जो हमने करा है, वीडियो बनाया है, जो हमने रिव्यू करा है, जो हमें रिएक्ट करा है, वो चीज़ भी है यार, वो कैसा लगा आपको। मैं मानता हूँ यू गाइज लव योर आर्टिस्ट, यू गाइज वॉन्ट
us to react to those videos, but we also want something from you as well. At least you can write two words. Something, type, we expect something from you as well. कि आप लोग अपने artist को support कर रहे हो, we love it. You support your thing again. आप लिखते हो कि इस पे react करो, good. But also आप ये लोग भी, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं ना, I love their point. ठीक है, वो अपनी चीज़ एक्सप्रेस करते हैं कि कभी हम लोगों ने सजेस्ट किया, कभी उन्होंने माइक का बोला था तो वी डिड दैट, वी फिक्स दैट, हमें वैसे भी फिक्स करना था, तो वो चीज़ें भी आप करते रहा करो. ठीक है, तो अब बहुत बोल लिया, ठीक है, बट ये सारे पॉइंट्स थे जो हमको बोलने थे, और अब आपसे मिलते हैं. गाना सुन के तो मज़ा आ गया. आज फिर से अगेन 3-4 वीडियोज रिकॉर्ड होंगी और उनमें मिलते हैं आपसे. अब आई एम युवराज, आई एम अदिति, विल सी यू गाइस द नेक्स्ट वन. मेक श्योर यू सब्सक्राइब. जय हिंद, बाय बाय. I'm the color.